लेकिन मैं तुमसे जो मेरी सुनते हो कहता हूं, अपने दुश्मनों से मोहब्बत करो, नफरत करने वालों से भलाई करो, लानत करने वालों के लिए बरकत चाहो और तहकीर करने वालों के लिए दुआ करो। अगर कोई तुम्हारे एक गाल पर तमाशा मारे तो दूसरा भी उसकी तरफ फेर दो। जो तुम्हारा चोगा मांगे उसे अपना कुर्ता भी दे दो। जो कोई तुमसे मांगे उसे दे दो। और अगर कोई तुम्हारा माल ले ले तो उससे वापस ना तलब करो। दूसरों से वही करो जो तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें। अगर तुम अपने मोहब्बत रखने वालों ही से मोहब्बत रखो तो तुम्हारा क्या एहसान होगा, क्योंकि गुनाहगार भी अपने मोहब्बत करने वालों से प्यार करते हैं। और अगर अच्छे सलूक के बदले अच्छा सलूक करो तो बरकत के हकदार कैसे होगे? ऐसा तो पापी भी करते हैं। उसने उसे कैसे छुआ? उसने बात ही क्यों की? शर्म की बात है। नहीं, दुश्मनों से प्यार करो, उनका भला चाहो, कर्ज देकर वापस न चाहो और तब तुम्हारा अजर बहुत बड़ा होगा। यूं तुम खुदावंद ताला के बेटे कहलाओगे, क्योंकि वो तो नाशुक्रों और बदों पर भी मेहरबान है। रहम किया करो जिस तरह तुम्हारा बाप भी रहीम है। हमें बचा यसू। ऐब निकालोगे तो तुम्हारे भी ऐब निकाले जाएंगे। इल्जाम ना दो तो तुम पर भी इल्जाम ना लगेगा। माफ करो तो तुम्हें भी माफ किया जाएगा।